खेसारी लाल यादव के पक्ष में क्या बोल रही हैं भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव का एक दूसरे पर गाने चुराने का आरोप, और साथ ही वायरल हो रहा है इनकी रिकॉर्डिंग जिसमें रितेश पांडे खेसारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल यादव रितेश पांडे पर। वैसे देखा जाए तो इन दिनों यूट्यूब के हर भोजपुरी चैनल पर एक ही वीडियो वायरल हो रहा है, और वो है कि किसने किसका गाना चोरी किया है। जी हाँ, सच और झूठ को साबित करने के लिए कभी फीमेल सिंगर अंतरा की रिकॉर्डिंग रिलीज की जा रही है, तो कभी गाने के राइटर, तो कभी मेल सिंगर्स, तो कभी डायरेक्टर की। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर कोई इस सच को सामने लाने के लिए वीडियो कर रहे हैं वायरल। आप सभी इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो अब तक देख ही चुके होंगे, लेकिन सच क्या है ये अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया है, और ना ही इसकी कोई ऑफिशियल खबरें सामने आ रही हैं। वैसे तो इस गाने के लिए हर कोई अपनी अपनी बातें बना रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस मैटर को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने क्या कहा। आखिर वो दे रही है किसका साथ, किसके पक्ष में कर रही है वो बात। आपको बता दे कि रितेश पांडे की गोरी तोड़ चुनरी 2 और खेसारी लाल यादव की लहंगा लखनऊआ को लेकर ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कहा है कि ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी का गाना चोरी करके गाना बिल्कुल नाइंसाफी है। सिंगर की पहचान तो आखिर उनके गाने से ही होती है। यदि उनसे उनका गाना ही चुरा लिया जाए तो उनका सब कुछ छिन जाता है। हर कोई उनके गाने को देखकर ही उनके फैन बनते हैं, इसलिए किसी के गाने को चोरी करके उसके स्टारडम को खत्म नहीं करना चाहिए। कोई भी सिंगर अपने गाने को रिलीज करने के लिए खूब मेहनत करते हैं और अपना कीमती टाइम भी देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक सिंगर के लिए उसका गाना ही सब कुछ होता है। हालांकि इस बात को आम्रपाली दुबे ने ऑफिशियल किसी के लिए नहीं कहा है। आपको बता दे कि आम्रपाली दुबे के फैन पेज से इस बात को शेयर किया गया है। आपको ये भी बता दे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे वैसे तो खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े फैन है। उनके हर गाने को बहुत पसंद करते हैं और उनके हर गाने की तारीफ करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि इनकी आवाज में मानो जादू है और हर कोई उनके गाने का दीवाना हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे रितेश पांडे के गाने को पसंद नहीं करते हैं। आम्रपाली दुबे रितेश पांडे के भी उतने ही बड़े फैन हैं। उनके गाने को भी वे बेहद पसंद करते हैं और उनकी भी बहुत तारीफ करते नजर आते हैं। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में, और हमें कमेंट के जरिए ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि गाना चोरी किसने किया है। तो कमेंट करना ना भूले और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये खबर जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें।